हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण का डेट, टाइम और कुछ सावधानियाँ, और हम सूतकाल के बारे में भी जानेंगे कि चंद्र ग्रहण लगने से कितने घंटे पहले सूतकाल लग जाता है। तो यह सब जानकारियाँ हम आप सभी को इसी वीडियो में देंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आप सभी को हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सभी हमारे नए नए वीडियो को सबसे पहले और आसानी से देख सकें। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। लेकिन उसके पहले हम कुछ सावधानियां जान लेते हैं जो चंद्र ग्रहण के दौरान हमसे जाने अनजाने में हो जाती है। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, सुनसान जगहों पे नहीं जाना चाहिए, तिराहे या चौराहे पे कोई वस्तु या पैसा गिरा हुआ हो तो उसे उठाकर अपने घर लेकर नहीं आना चाहिए, किसी से झगड़ा झंझट नहीं करना चाहिए और ना ही किसी से ग्रहण के दौरान हमें लेन देन करना चाहिए। ग्रहण के दौरान हमें भोजन नहीं पकाना चाहिए और ना ही भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए। हमें पानी भी नहीं पीना चाहिए ग्रहण के दौरान में। अब खासकर गर्भवती महिलाएं ध्यान दें, चंद्र ग्रहण लगने से पहले वह अपने शरीर के बराबर एक धागा नापकर कहीं किनारे सुरक्षित जगह पर रख दें। इस टोटके को अपनाने से उनके शिशु के ऊपर ग्रहण का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा और उनका शिशु सुरक्षित रहेगा। यह टोटका आप जरूर अपनाएं, क्योंकि हम लोग इस टोटके को अपना चुके हैं, इसीलिए आप सभी को ये टोटका अपनाने के लिए बता रहे हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान वह घर से बाहर न निकलें और ना ही ग्रहण को नंगी आंखों से देखें, क्योंकि ग्रहण को नंगी आंखों से देखने से बेबी के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए आप लोग सतर्क रहें और सावधानियां बरतती रहें। चंद्र ग्रहण के दौरान उन्हें धारदार या नुकीला चीज का प्रयोग नहीं करना है, जैसे सब्जी काटने के लिए चाकू वगैरह या सिलाई बिनाई करने के लिए सिलाई मशीन या सुई का प्रयोग नहीं करना है। उनको घर से बाहर नहीं निकलना है, अपने घर के अंदर धीरे धीरे टहलते रहना है। अब आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण का डेट और टाइम। लेकिन उसके पहले हम सूतकाल के बारे में जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण लगने से कितने घंटे पहले सूतकाल लग जाता है। अगर आप सभी को चंद्र ग्रहण का डेट और टाइम पता है तो उसे 9 घंटा पहले जोड़कर निकाल लें, क्योंकि चंद्र ग्रहण लगने से 9 घंटा पहले सूतकाल लग जाता है। अब 2022 में लास्ट और आखिरी चंद्र ग्रहण बचा है, उसका डेट है 8 नवंबर 2022 को। इसका लगने का टाइम है 1:32 PM से 7:26 PM तक। लेकिन इसका जो भारत में लगने का टाइम है वह है 5:09 PM से 7:26 PM तक। इसका टोटल कुल अवधि है 2 घंटा 17 मिनट। अब 2023 में 2 चंद्र ग्रहण और लगने वाला है। पहला लगने वाला है 5 और 6 मई 2023 को। ये 5 मई को रात में 8:44 PM पर लगेगा और 6 मई को रात ही में 1:01 AM पर ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए इसको 5 और 6 मई दोनों माना जा रहा है। इसका टोटल कुल अवधि है 4 घंटा 17 मिनट। अब दूसरा चंद्र ग्रहण लगने वाला है वह है 28 और 29 अक्टूबर 2023 को, या 28 अक्टूबर को रात में 1:31 PM पर लगेगा और 29 अक्टूबर को 3:56 AM पर ख़त्म होगा। इसीलिए इसको 28 और 29 अक्टूबर दोनों माना जा रहा है। इसका टोटल कुल अवधि है 4 घंटा 24 मिनट। अब 2024 में 2 चंद्र ग्रहण और लगने वाला है। पहला लगने वाला है 25 मार्च 2024 को और दूसरा लगने वाला है 18 सितंबर 2024 को। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।